या सॉरी फॉर द डिस्टरबेंसेस इन द लास्ट वीडियो, वो बहुत ट्राई किया बट वो हो नहीं पा रहा था, सो प्लीज कोऑपरेट विद दैट। हेंस फोर्थ एनी वीडियोस में देयर विल बी नो डिस्टरबेंसेस। सो वेवर भी, हाँ हम देख रहे थे कि वो जाल बिछाया हुआ इंसान भी शॉक रह गया था, लेकिन वो करता भी क्या कि लोगों ने यानी चिड़ियों ने यहाँ पे एक साथ दिखाई और एक साथ उड़ गई। चिड़े चिड़िया तनिक न सच चुके, सीधे दादी माँ के घर पहुंचे। चिंतित दादी माँ बैठी मुंह लटकाए, बुरे विचार मन में आए। मतलब सीधा दादी माँ के घर पहुंचे और देखा कि दादी माँ भी मुंह लटकाए बैठी थी, बहुत परेशान थी और बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। उदास हो रहे चिस्कू मुस्कू थे, जिनकी की आंख में आंसू थे, मतलब वो जो चुड़िया थी उसकी आंख में भी आंसू थे और उसके बच्चे भी बहुत उदास थे। दादी माँ को चरखा शांत, सबका मन हो रहा क्लांत। मतलब दादी माँ बड़े शांत हो बैठी थी लेकिन बहुत परेशान थी, सब लोग अस्वस्थ हो गए थे। अचानक कलराव हुआ आंगन में, सबने देखा आनन फानन में। चिंचिया रहे थे पक्षी बहुत सारे, उनमें थे नीलू टीनू मीनू प्यारे। तो उन्होंने देखा कि अचानक आवाज आने लगा, कलराव मतलब पक्षियों का साउंड आने लगा। एकदम से शौक में सब देखने लगे तो सबने देखा कि सारी चिड़ियाएं आ गई है, उसमें अपने नीलू टीनू मीनू भी थे। विचित्र हाल उनका देखा, अनेक थे पर था उनमें एका। मतलब उनका हाल बहुत बेहाल था क्योंकि वो जाल में फंसे हुए थे ना, फिर भी उन्हें इनमें से एक चीज कॉमन दिखाई और वो थी एका। एका मतलब एकता। एक साथ आंगन में उतरे, मानो वे मित्र हो गहरे। एक साथ ऐसे उतरे जैसे वो बहुत पक्के मित्र है। चिंकी उधर पहुंची, दादी माँ ने की गर्दन ऊंची। खटिया पर बैठी थी वह बोली, देख उन्हें वह यह बोली, बहुत देर से आई हो नीलू आज, खैरियत तो है ना, क्या हुआ था काज। तो मतलब उसने बोला कि जैसे ही दादी माँ उनको देखे उठी तो वो नीलू के पास जाके बोली कि आज बहुत देर से आई, सब ठीक तो है ना, कुछ हुआ क्या आज। नीलू ने हाल सुनाया, दादी माँ को सब बतलाया। यो पहुंची पंछियों की टोली, दादी माँ हंसी और बोली, तीनू मीनू है समझदार, तभी तो किया खबरदार। उस सब सुनने के बाद दादी माँ हंसी और बोली कि ये जो छोटे तीनू मीनू है वो बहुत समझदार है, तभी तो सबको सावधान किया। जान तुम्हारी बच गई है, यह अच्छी बात हुई है। सच है जान हमारी बची पर अब भी है जाल में फंसी। दादी माँ ने बोला कि जान बच गई यह बहुत अच्छी बात है। तो चिड़िया बोली कि जान बची हो तो अच्छी बात है, बट हम लोग अभी भी जाल में फंसे हुए हैं, तनिक हमें संभालो, इससे बाहर निकालो, यानी इसे हमें अभी बाहर निकालो। दादी माँ तब मुस्कुराई, राज की बात उन्होंने बताई, यानी ये सुन के भी दादी माँ हंसी और बोली एक राज की बात बताती हूँ। उंगली उठाकर बोली, काम करेगी एकता की गोली। मतलब एक साथ जब रहोगे तो वही काम करेगी। बच्चों उसमें है शक्ति, बच्चों उसमें ही शक्ति है, वही बचने की युक्ति है, वह तुम्हें बचाएगी, जाल से मुक्त कराएगी। नीलू बोली मीठी बोली, हम एक है पर क्या करे, बच जाए कुछ ऐसा जतन करे। दादी माँ ने बोला कि एकता ही युक्ति है, उसी से बचोगे, वही हर दवा बोलते ना, दवा की गोली है तो उसी से आजादी पाओगे। तो चिड़ियाएं बोली कि हम तो एक है पर अपने बहुत जतन यानी बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन हम उससे छूटे कैसे। दादी माँ ने समझाया, फिर से एकता का पाठ पढ़ाया। वह बोली, एकता पंछियों की ही नहीं औरों में भी होनी चाहिए, वही यह बात सदैव ध्यान में रखते, एक और एक 11 होते। दादी माँ ने बोला, सिर्फ पंछियों की नहीं बाकी प्राणियों की भी एकता होनी चाहिए, तो ये बात हमेशा ध्यान रखो कि एक और एक हमेशा 11 होते हैं, यानी कोई एक सपने में अपनी एकता बनाए रखी तो कोई भी किसी का भी हेल्प कर सकता है। किसी तरह की तुम झिझक ना करो, चिंकी से तनिक याद ना करो। तो उसने बोला कि किसी भी टाइप की झिझक ना करते हुए वो चुहिया से याचना यानी रिक्वेस्ट करो, वह तुम्हें बंधन से बचाएगी, जाल काट बाहर ले आएगी। तीनू मीनू ने कहा, हम आजाद हो रहे हैं, आहा मौसी चुस्को मुस्कु को बुला। तो तीनू बहुत खुश हो गई ये सोचकर कि वो आजाद होने वाले हैं, तो उन्होंने चिंकी चुनिया को मौसी बुलाते हुए कहा कि उसके बेटे चुस्को मुस्कु को भी बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। यही बात नीलू ने कही, भेद किया किसी ने नहीं। मतलब नीलू ने भी यही बात, चिड़िया ने भी यही बात की थी और भेद नहीं किया कि तू चिड़िया है मैं चूहा हूँ, तो हम एक दूसरे की हेल्प क्यों करें एंड सो ऑन। बात चिंकी के मन को भाई, दौड़ भाग झटपट आई। दादी यो बोली, मिलकर रहो हम जोली। तो उसने दौड़ भाग के सबने जिसे की मदद की, दादी ने बोला, मिलकर रहो हम जोली, एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी तब।
यानी जब तक साथ रहोगे तब तक हार नहीं मिलेगी, हमेशा एक दूसरे की हेल्प करो तो ऐसे ही परेशानियों का सामना कर पाओगे। चिनकी गई जाल के पास, जिसको मुस्कु भी थे आसपास, पहने दाने से काटा जाल, आधा घुड़े सब तत्काल। मतलब चिनकी तो गई यानी वो चुड़िया गई, उसके छोटे बच्चे भी गए, उन्होंने भी पहने दांत यानी अपने जो शार्प दांत है उनसे जाल काटा और सबको आजाद किया तत्काल, मतलब तुरंत। चिड़े चिड़िया चिंचिया रहे, दादी माँ से बतिया रहे। चिड़े चिंचिया मतलब वो चिंचू चिंच कर रहे थे, ऐसे मानो जैसे दादी माँ से बतिया रहे। तीनों मीनू चुस्को मुस्को खेलने लगे, सबसे प्रेम स्नेह में पगे। मतलब सबने वापस वो ऐसे आनंद से हंसी खुशी एक साथ वापस रहना, एक दूसरे के साथ खेलना शुरू किया। दादी माँ की सीख रंग लाई, सबने भी एकता की दिखाई। तो दादी माँ की सीख यानी दादी माँ ने जो उनको सिखाया था कि एक साथ रहोगे, एकता बनाए रखोगे तो सब ठीक हो जाएगा, तो सबको वो बात समझ में आई और उन्होंने देखा कि वो बात सही साबित हुई। सबका एक साथ मुंह खुला और बोले अंत भला तो सब भला। तो सबने एक साथ मुंह खुला और बोला अंत भला तो सब भला। बोलते ना लास्ट में जब सब ठीक हुआ तो मतलब एवरीथिंग इज गुड इनफ। तो ये थी दादी माँ का परिवार का चैप्टर, ये थी उनकी कहानी जिन्होंने उसमें सबके साथ रहकर उन्होंने बताया कि हमें भी ऐसा एकता रखना चाहिए, किसी में भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, सब साथ में रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, हंसते खेलते तो कोई भी परेशानियों का संकटों का सामना आसानी से कर सकते हैं। तो इफ एनी डाउट्स विद दिस चैप्टर प्लीज लेट मी।